दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए एक बहुत ही खास रेमेडी दूंगा। आपने देखा है कि समय के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। समय बहुत बलवान होता है। हम जो भी कर्मास करते हैं समय के अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट मिलता है। कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं तो अच्छा समय शुरू हो जाता है, बुरे कर्म किए होते हैं तो बुरा समय शुरू हो जाता है। दोस्तों जानकारी पूरी देने से पहले एक मैं आपको बहुत ही जरूरी टिप्स देना चाहता हूं कि कभी भी एक चीज याद रखें कि आप लोग यदि किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो घड़ी कभी भी गिफ्ट में ना दें। ना तो कभी घड़ी किसी को गिफ्ट में दें और ना ही कभी किसी से घड़ी गिफ्ट में लें, क्योंकि समय जो होता है, घड़ी जो होती है समय को दर्शाती है। और साथ में समय का ये क्या करती है कि अगर किसी से किसी को आप अपनी घड़ी दे रहे हैं, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आप खुद से इसको प्रैक्टिकल करके देखना कि आपका सब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ बिगड़ जाता है, परिस्थिति खराब हो जाती है। तो होता यह है कभी कभी हम भूल चूक कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारा समय खराब हो जाता है। तो घड़ी क्या होता है, घड़ी के जरिए अगर हम किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं, भूल से यदि हमने किसी को अपनी घड़ी गिफ्ट कर दी और हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमारा जो अच्छा समय होता है ये अगले व्यक्ति के पास चला जाता है और उसका बुरा समय जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। हमें पता नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ही परिस्थिति खराब हो जाती है। आप इस चीज को नोटिस करके देखिएगा, करके देख लीजिए। अगर आप परिस्थिति यदि आप ऐसा इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आपका अच्छा समय चल रहा है, आप अपनी घड़ी किसी को ऐसे व्यक्ति को देके देखिए जिसका बुरा समय चल रहा है, उसका समय अच्छा शुरू हो जाएगा और आपका बुरा शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। और ना ही कभी किसी को आपको घड़ी गिफ्ट में लेनी है। इससे क्या होता है, अगर अगला व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है तो उसका बुरा समय आपके ऊपर आ जाएगा, आपका अच्छा समय उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसका अच्छा समय चल रहा है तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन कोई भी अपना अच्छा समय किसी को नहीं शेयर करता है, बुरा समय हर कोई शेयर कर लेता है। तो हमेशा इस बात का याद रखें कि कभी भी घड़ी को न गिफ्ट में दें और न लें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगले व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है कि बुरा समय चल रहा है। तो घड़ी का कभी भी आवागमन कभी ना करें। और आज मैं आज आपको बता रहा हूं, समय जो होता है दोस्तों, समय के द्वारा आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक रेड कलर के मार्कर की, ठीक है? साथ में अगर रेड कलर का पेज कागज मिल जाता है तो वो भी बेस्ट है। रेड कलर ही यूज करें टोटल। अब उसमें आपको क्या करना है, अपनी कोई भी एक मनोकामना आपको लिख देनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है। सपोज आपको पैसा चाहिए तो मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। आपको नौकरी चाहिए, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, ये लिख देंगे। या जो भी चीज आपकी मनोकामना है एक लाइन में आप उसको लिख देंगे। अब इसको लेकर के आपको क्या करना है, घड़ी के पीछे चिपकाना है। लेकिन चिपकाने का एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। आपको जैसे 12 1 2 3 4 ये लिखा हुआ, तो 6 से आगे वो विषय आपकी नहीं जानी चाहिए। 12 से लेकर के 6 तक के जो अंक है इसके बीच में आपको उस कागज को चिपकाना है। चिपकाना कैसे है, एंडिंग कहां पे, आपको कांटा जो है आपकी विष के ऊपर से होते हुए जाना चाहिए। जो दोनों तीनों कांटे हैं, आपने जो विष चिपकाई है, अपनी जो मनोकामना लिखी है, उस कांटे के ऊपर से होते हुए जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं कैसा बोल रहा हूं। आपको 12 की तरफ एंडिंग लिख करनी है, मतलब कि आपने लिखा नौकरी तो 9 शब्द कहां आएगा, 6 की तरफ आएगा, और री शब्द कहां जाएगा, 12 की तरफ जाएगा। तो आपको ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना है कि कांटा जो होगा, जितने बार कांटा उसमें घूमेगा आपका, वो समय उतना जल्दी जो मनोकामना विश पूरी का है वो आपके नजदीक आते जाएगा। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है 12 जहां पर होगा वहां पर एंडिंग होगी, जो भी आपकी विश की एंडिंग है, जो विश आपने लिखी, आपने लिखा मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, आपने लिखा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो इसकी एंडिंग कहां होगी, 12 की तरफ होगी। आपने लिखा नौकरी तो 9 शब्द कहां पे आएगा, सामने तरफ आएगा, मतलब 12 तरफ एंडिंग होगी, 12 की तरफ,
और री शब्द जो आएगा नौ क री, नौ आएगा छह तरफ और री जाएगा बारह तरफ, ऐसे आपको भी चिपकानी है। एंडिंग होगी बारह तरफ और छह तरफ स्टार्टिंग होगी, ऐसे लिखना है आपको अपनी विश। तो कोई भी लाइन बनाएंगे तो एंडिंग बारह तरफ करेंगे और सिक्स तरफ आप क्या करेंगे स्टार्टिंग करेंगे। तो कांटा जो घूमते हुए जाएगा आपकी विश के तरफ से, और जब ये बार बार कांटा घूमेगा, बार बार कांटा घूमेगा उसमें, तो आपकी जो मनोकामना है, ये दोस्तों वास्तु टिप्स दे रहा हूं आपको मैं, वास्तु टिप्स के अनुसार ये आपकी जो मनोकामना आप लिखेंगे तो आपकी मनोकामना जो भी हो पूरी हो जाएगी। और जब एक विश के लिए एक बार में एक विश के लिए रेमेडी आप करेंगे, ठीक है, फिर आपकी ये विश पूरी हो जाती है तो आपको क्या करना है, इस कागज को आपको निकाल देना है और किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। उसके बाद में आप दूसरी मनोकामना के लिए इसलिए कर सकते हैं, जो लोग बहते जल में नहीं कर सकते हैं, किसी नदी में तालाब में पोखर में नहीं कर सकते हैं, तो कोई फलदार वृक्ष के नीचे इसको गड़ा करके आ जाए, छायादार जो घना वृक्ष हो उसके नीचे गड़ा दें कोई निर्जन स्थान में। और फिर दूसरी विश के लिए आप इसको फिर से इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। कोई बड़ी मनोकामना है जो चाहते हो पूरी हो जाए, नौकरी चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो मुझे कर्ज से मुक्ति मिल गई है, मुझे कर्ज से मुक्ति मिल गई, पॉजिटिव में लिखना है आपको कोई भी अगर मनोकामना जो प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव में। ये नहीं आपको अगर नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो मुझे नौकरी मिल चुकी है, आपको हर चीज प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और जब लिख रहे होंगे, जब चिपका रहे होंगे, तो थोड़ा सा उस चीज को विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे कि वो चीज आपकी जिंदगी में आ गई है। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों कि आपकी जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। पूरी श्रद्धा विश्वास से इस रेमेडी को करके देखिए, 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।